तो यार आज के दिन की फर्स्ट अपडेट फादी के बारे में है। तो फादी से क्यूएनए में पूछा गया अगला गाना कब आ रहा है, तो फादी का कहना है मोहर्रम के बाद। एंड देन उनसे कहा जाता है ब्रो कोई मेलेडियक ट्रैक आउट करो, तो इस पे फादी का कहना था ओके करो। तो अब बात कर लेते हैं यंग स्टनर्स के बारे में। तो यंग स्टनर्स का पेप्सी के लिए एक प्रमोशनल ट्रैक आ रहा है जिसका नेम है वाई नोट मेरी जान। तो ये गाना 27 अगस्त यानी कि कल को आउट हो जाएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं चैन के बारे में। तो प्रभदीप ने कुछ दिन पहले एक लाइव सेशन किया था जिसमें प्रभदीप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे कि ऑडियंस रियल आर्ट को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। तो इसके बारे में अभी चैन के का कहना है आई एग्री विद प्रभदीप हेयर, अगर एक आर्टिस्ट का मेन फोकस शुरू से सिर्फ राइटिंग और म्यूजिक है तो इट्स रियली हार्ड फॉर हिम हर टू अरेंज द फिल्म मेकर्स कैमरामैन प्रोड्यूसर्स एडिटर मॉडल सेट एटसेट्रा। पीपल कंज्यूमिंग शिट आर्ट, आई डोंट इवन कॉल दैट आर्ट, फक दैट शिट। फिर बोलते हैं आर्टिस्ट तुम गाने क्यों नहीं निकाल रहे यार, भाई एक गाना निकाल दो। और भाई कहां से निकाले, पिछली एल्बम का उधार नहीं चुकाया जा रहा है। चैन के ने टूटा घर ट्रैक को लेकर एक चैलेंज भी रखा है। तो चैन के का यहां पे कहना है कि टूटा घर ट्रैक की म्यूजिक वीडियो को अपने सोशल मीडिया पे शेयर करो और उनमें से वो कुछ विनर्स अनाउंस करके उनको पर्सनली मिलेंगे। इसके अलावा चैन के का इंडियन फैंस के बारे में कहना था कि इंडिया से भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन फैंस को भी वो गिव अवे भेज रहे हैं। चैन के ने अपने इंडियन फैंस को पर्सनली कुछ वॉइस नोट्स भी भेजे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यार, और सॉरी आप इंडिया से हो, चैलेंज वैसे पाकिस्तानियों के लिए बेटर देंगे, मैं पाकिस्तान में हूँ ना, लेकिन मैंने सोचा कि यार जो लोग इंडिया से ना उनसे मैं हेलो हाई कर लूँ ना वॉइस नोट में, तो दिस विल बी लाइक सुपर फैन। मैं पर्सनली खुद मैसेज कर रहा हूँ जो भी इंडियंस हैं, तो थैंक यू बहुत बहुत यार शेयर करने के लिए। हार जीत वाला सीन नहीं इधर, और थैंक यू शेयर करने के लिए, मीन्स अ लॉट। कैसे हो आप, ठीक हो? सो मच यार, थैंक यू सो मच, लव फ्रॉम पाकिस्तान ब्रो, लव फ्रॉम पाकिस्तान। तो अब बात कर लेते हैं नबील अकबर के बारे में। तो नबील अकबर का जल्दी मिस्टर मानी और वुस्ताज के साथ कोलैब आने वाला है। इसके बारे में वुस्ताज का कहना है डिड्डा हुक फॉर द ओजीस, मुहर्रम के बाद ऑन सीन है, बोल चुका हूँ मिस्टर मानी नबील अकबर # मैंस टेप। एसन के बारे में साद खान से Q&A में पूछा गया एसन गोली पे गोली दे रहा है, एसन एक साथ डन कराओ यार। तो साद खान का कहना है एसन ने वर्स भेज दिया है, अब बस थोड़ा टाइम दे दो, ट्रैक जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट अपडेट लूका के बारे में है। तो लूका ने आर्टिस्तान छोड़ दिया है। तो इसके बारे में Q&A में उनसे पूछा गया आर्टिस्तान क्यों छोड़ा, आजकल लोग लेबल्स क्यों छोड़ रहे हैं, समय नहीं आ रहा। तो इसके बारे में लूका का कहना था लोगों का नहीं पता बाबा, मुझे लगा कि वक्त आ गया है खुद के हाथ में खुद की कमा लेने का, दिल की सुनी बस, बाकी इट्स ऑल लव। तो अब बात कर लेते हैं नैस के बारे में। तो नैस का स्टोरी में कहना है एल्बम रेस्ट इन बीट्स बहुत जल्द, उसके पहले काफ़ी सिंगल्स एंड कोलैब्स आएंगे, सिर्फ गाने पे गाने। तो अब बात कर लेते हैं अपकमिंग ट्रैक्स के बारे में। तो इक्का और अघोर का जो ट्रैक आ रहा है उस गाने का नेम अनाउंस हो चुका है। तो गाने का नेम है चंगा, लेकिन डेट अभी भी अनाउंस नहीं हुई। बैला ने पाइथन ट्रैक का पोस्टर आउट कर दिया है। 47 का भी एक ट्रैक आने वाला है जिसका नेम है जंगू। तो इसके बारे में 47 का कहना है इसी महीने फाइनली, नहीं आया तो अगले महीने, घबराने वाली बात नहीं है। इसी वीकेंड पर MD का ट्रैक भी आने वाला है। तो फिलहाल इतनी अपडेट्स हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।